अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुहम्मद आदिल, तुसी देख रहे हो मेरा चैनल प्राइवेट फैलकॉन। दोस्तों, बड़े पुराने जमाने की गल आ, एक मुल्क सिगा जिते उन्हां दी राय आ, उन्हां दी आवाम जिहड़ी आ, एक अपना बादशाह चुणदे सीगे। बादशाह चुण के उहदे कोल एक पेपर ते सिग्नेचर करवाउंदे सीगे कि सिर्फ और सिर्फ तू एक साल लई साडा बादशाह रहेगा और एक साल तो बाद तैनू एक स्पैसीफिक जजीरे ते जिहड़ा उह छड्ड के आ जांगे, यानी तैनू मुल्क बदर करके एक जजीरे ते छड्ड आवांगे। उन्हां दा सिलसिला काफ़ी देर तो चल रहा सीगा। एक दफ़ा एक बादशाह नूं मुल्क बदर करके और छड्डण जा रहे सी जजीरे ते, उन्हां ने समुंदर च देखिया कि एक कश्ती आण के कोई उत्थे लगी जजीरे दे नाल टुट गई और एक बंदा लकड़ियां ते तरदा होया अपनी जान बचाउण दी कोशिश कर रहा सी। वो लोग उस बंदे नूं कढ के नाल लै आए, नौजवान बंदा सीगा वो, उहनूं लिआण के उन्हां ने दरखास्त की कि तू साडा एक साल का बादशाह बन जा। पहले तो उस नौजवान ने बड़ा मना किया, लेकिन उन्होंने इसरार तो बाद वो मन गया। उन्हें कहा ठीक है, मैं तेरा एक साल का बादशाह बनने लिए तैयार हाँ। वो एक साल का बादशाह जो बनने लगा, उन्होंने उन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन समझा दिए कि एक साल तो बाद तेनों फलाने जजीरे से छड़ के आ जाएंगे और वो तो बाद तेन उ मरे या जिमें तेरी जिम्मेदारी है। उन्हें कहा ठीक है। वो बादशाह बनया। बादशाह बनते जिदा ही पहला महीना होया, उन्हें एक अपने वजीरा हुक्म दिता कि उस जजीरे का मैं विजिट करना, वह अरेजमेंट किया जाए। उस जजीरे ते गया, जाके उन्हें देखा जिहड़े पुराने बादशाह उत्थे छड्डे सी उन्हां दे ढांचे उन्हें मिले। उत्थे उन्हें पता लग गया कि इत्थे बचना मुश्किल आ, इहदे लई मैं अगर जींदा रहना तो मैनूं कुछ करना पैणा। उन्हें की किया, उत्थे 100 मजदूर इकट्ठे किए अपने मुल्क चों, उन्हां नूं उत्थे छड्ड आया। उन्हां नूं कहा जाके जिहड़े उत्थे दरख्त आ उह कट्टो, जिहड़े उत्थे जानवर आ उन्हां नूं मार दो, उन्हां नूं साफ सुथरा कर दो। वो फिर तीसरे महीने भी गया, चौथे भी गया। जो उन्हें देखा जजीरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, उन्हें कहा इदा करो उ जरे जमीन का अरेजमेंट करो, जमीन में जरायत के काबिल करो, उ जरायत लगाओ। वो तो बाद उन्हें अपने जरूरत के जोड़े जानवर होंगे गाइया बकरियां भेड़ा उ रखवाइया। इदा करते करते 10 महीने पूरे हो गए। 10 महीनों तो बाद उस बादशाह ने इन्हों कहा इस मुल्क के भाई जान मैं हूँ चला, तुम अलगा अगला बादशाह अपना जरा चुन लो, मैं हूँ अगर कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन सारी राया ने सारी कौम ने बड़ा इसरार किया कि अपने 2 महीने पूरे कर। उन्हें 2 महीने होर पूरे किए, खैर वो वक्त आ गया कि साल पूरा हो गया। जो साल पूरा हो गया, साल के आखिर से उन्होंने तैयार करके हाथी पर बिठा के सारे मुल्क का चक्कर लगवाने होंगे कि सबनों अलविदा कर सके। उन्होंने जो हाथी का चक्कर लगवाया, अलविदा करने लिए लैके गए पब्लिक के, वो बड़ा खुश थी। हुण पब्लिक बड़ी हैरान सी, कहिंदे कि तू एडा खुश कातों आ, जदों दूसरे बादशाह जांदे आ सारे रो रहे हुंदे आ, तू एडा खुश आ। उन्हें इत्थे बड़ी एक तारीखी गल कीती, उन्हें कहा जिन्ने भी बादशाह आउंदे आ उह जदों आण के बादशाही कुर्सी ते बहिंदे आ उह रंगीनियां दे विच खो जांदे आ, उह अपनी ऐशो इशरत दे विच खो जांदे आ, उन्हां नूं दुनिया भुल जांदी आ, उह सिर्फ और सिर्फ एक साल उस कुर्सी नूं इंजॉय करदे आ। लेकिन मैं इदां बिल्कुल नहीं कीता, मैनूं पता सीगा आखिर ते मेरा की हाल होणा। मैं ये ते तरह की एक होर दुनिया आबाद कर ली उस जजीरे से। ये दोस्तों जिंदगी दे जो भी इदा का मौका मिले, तुम अपने कुछ करन का मौका मिले, उन्होंने जरूर अवेल कराया करो, उसका इस्तेमाल कराया करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।